अबे बालों के खेत, बता वो चुराया हुआ डायमंड कहाँ है? प्लीज। हाँ पूछिए। बता वो डायमंड कहाँ है? अबे साले सर पे तेल डाल के मालिश करवा रहा है। सर की नहीं तेरी बॉडी की भी मालिश करता हूँ। जीजू कोई नवा के साला कहाँ है? अबे उंगली मास्टर कहीं उंगली करके आया है या फिर एक नंबर लगी है? ट्रिगर दबाने वाली रिंग पहनी है। उससे क्या होगा? हो सकता है इस बदकिस्मत थाने की किस्मत जाग जाए और मैं डीसीपी बनकर यहाँ आ जाऊँ। सपने में अब निकल गेट आउट। अरे मेरे बाप बता दे हीरे कहाँ छुपा रखे हैं, क्यों मेरी और मेरी नौकरी की लेने में क्यों मांग रहे हो? हीरा निकाल रहे हो कि खीरा? तुमसे निकलेगा बक कशी वाट लाओ तो प्रोफाइल इधर तो करना। वेयर इज द डायमंड? नहीं पता। हाँ ये निकला है डायमंड। तुम्हारे मुक्के ने तो कमाल कर दिया। कमाल जानते हो किसका है? इस रिंग का। अच्छा? आज से इस थाने का कल्याण मैं करूंगा स्वाहा। क्या ये आपके लिए फोन है? सर दाना जी को किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। जल्दी ट्रेस करो, ट्रेस करो। हेलो, हमारा 100 करोड़ कब आ रहा है? देखो 100 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए प्लीज। काफी वक्त ले चुके हो तुम, बस अब बहुत हो गया। 7 दिन और। 7 दिन? ए, तुम किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहे हो, गांगुली भाई की बात कर रहे हो। गांगुली भाई की? हेलो वेंकट, हम भी तुम्हारी तरह पुलिस वाले हैं। फोन टैपिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कुंदन, बलदेव ने जो घिनौना काम किया है उससे पुलिस डिपार्टमेंट शर्मिंदा है। खुद को कानून के हवाले कर दो और गांगुली को लौटा दो। तुम्हारे लिए मैं सीनियर से बात करूं। हमें बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। वेंकट और कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास? 9 सेकंड्स? 8 7 6 वेल ट्राइड। डैम इट! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पकड़ने का शौक है तो उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। क्या है? हाँ चड्डी। ऑफिस में निरुपमा देवी और यहाँ सनी लियोनी। बहुत खूब। यहाँ क्यों आए हो? ये हुई ना काम की बात, ये रिंग काम नहीं कर रही है। 12:30 घंटे हो चुके हैं। ऑफिस में आना, रिंग बदल दूंगी, अब जाओ। थाम्बा, मैं तुम्हारा डब्बा वाला हूँ जो तुम्हारे लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगा। इससे इंस्पेक्टर तो क्या हवलदार भी नहीं बना। वजह का ए भटिया रे भाई, खाना लाया? लाया भाई, इसके अंदर तो दाल चावल पापड़ है, आप इसे नहीं खा पाएंगे। इसके अंदर तो मच्छी भात है, तेरा कीमा बनाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, जरूर तुमने बिना नहाए पहनी होगी। एक काम करना, तुम कल नहाकर फिर से इसे पहनना, ठीक है? आप चुप रहो मालकिन। अरे भाई कल ही तो उंगली अंगूठी में डाली है ना, असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रात भर वेट करो, ये खाना खा के सो जाना। अरे उसमें मेरा ट्रेन का पास है। सुबह तक वेट करूंगा फिर डेड करूंगा। क्या हुआ? अरे नींबू और अचार तो वो भूल ही गया। जाओ उसे देख रहा। हाँ, अभी देख आता हूँ। अरे अब मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अभी शादी के लिए मैं बहुत छोटी हूँ माँ। 2.5 साल से शादी के लिए नाटक कर रही हो, अब बहुत हो गया, चलो लेट हो रहे। मेरी बेटी में तो संस्कार कूट कूट के भरा है और मैंने अपने बेटे में ठूस ठूस कर भरा है। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं आज तक कुंवारा बैठा हूँ। तारीफ करो। क्या बताएं भाई साहब, 32 लड़कियां देख चुके हैं लेकिन किसी ने इसे खास नहीं डाली। खामोश, वो बंद करो, लड़की आ गई। हाय, आई एम रवि फ्रॉम शानपड़ा। हेलो। नाइस वॉइस, तो मैं हाँ समझू? मेरे माता पिता को पसंद हो तो मुझे क्या पता था। मेरी पर्सनालिटी तुम्हें कैसी लगी? एकदम कचरा। झूठ नहीं बोलती। अपने पति से तुम्हें क्या उम्मीद है? साफ सफाई। परफेक्ट जोड़ी है। कोई हॉबी वगैरह? गन फायरिंग। क्या बात है, एकदम सही जोड़ी बनेगी। तो कब शादी करें अंकल? फरवरी में होती तो। पापा,
आप फरवरी की क्यों बात कर रहे हैं? जून जुलाई अगस्त। खामोश! अंकल आज ही अगर कोई मुहूर्त निकल जाता। नीरू पमा, नीरू पमा, ये सब क्या हो रहा है? साला बात तो ऐसे कर रहा है जैसे इसकी बचपन की गर्लफ्रेंड हो। जवाब दो, मेरी गलती क्या है? न जाने कितने रंगीन सपने दिखाए तुमने, अब मुझसे बात भी नहीं करी हो। लव, अब तुम्हारी पहनाई इस रिंग का मैं क्या करूं? Engaged. Trust me, कहकर मेरी जिंदगी को रस लगा दिया। धोखा। Meet me tomorrow. No meeting anywhere. Now let's meet in the court of law. Court में क्यों? Married. Settlement. No settlement. मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझे धोखा दिया है बस। Bye, तेरी शर्ट मस्त है। Thank you. लेकिन तुझ पर सूट नहीं करती। मौके पे चौका। अरे सुनो, ये रिश्ता भी गया। तो दामाद जी, मैं मुहूर्त निकलवा देता हूँ। और वो कौन है जिसने अंगूठी पहनाई है? शादी मैं करूँ और स्वागत वो मनाए? ओहो, वो मेरा कस्टमर है। बिजनेस। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू? ऑटो। अरे सुनो, पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाओ। ये कपड़े क्या किसी हलवाई के लगते हैं? सॉरी सर, पर्सनैलिटी से आप हवलदार लगते हो ना। तो आधे घंटे तक ऐसे ही देखती रहो, जब इंस्पेक्टर लगूंगा तो बता देना। सॉरी कहा ना। सॉरी क्या सॉरी, पहले क्यों झक मारी? प्रॉब्लम बताओ। आई गॉट इट। तो रिंग मास्टर तुम्हें बंदरिया की तरह नचा रहा है? सिर्फ नचा नहीं रहा है सर, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी की तरह गोल गोल घुमा रहा है हमें। और एक बात बताऊं आपको, कल मालकिन को देखने के लिए लड़के वाले आए थे तो उनके सामने उसने मालकिन की इज्जत का कचूमर बना दिया। बस करो, तुम्हें नहीं लग रहा कि चाय से ज्यादा कटोरी गर्म हो रही है? क्या करूं मालकिन, मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरी बदनामी हो। आप मेरी बिजनेस पार्टनर जो ठहरी। उसका नाम क्या है? रवि शास्त्री। उसका नाम तुमने बताया, अब उसकी तारीफ मुझसे सुनो। उसके हाथ में एक नवरत्न की अंगूठी है। वो लुच्चा लफंगा और निकम्मा है। आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हो सर। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, बिना एफआईआर ऑलरेडी इन लॉकअप। लॉकअप में? वाह 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 वाह, आपकी टोन देख के तो ऐसा लग रहा था कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे आपको तो एसीपी डीसीपी बनाकर दबंग का टाइटल दे देना चाहिए। मैडम, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। अभी पता चल जाएगा कौन दबंग है और कौन मलंग। पानी की बोतल कहाँ छुपाई? बोल, प्रदीप दास के खेतों से मुर्गी का अंडा किसने चुराया? सर, यही है वो। आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे वो ड्यूटी मेरी है, वो लाठी भी मेरी ही है, बस बजा हो रहा है। पानी पी के ये तुम्ही? अरे तुम यहाँ अंगूठी पहनाने आई हो? ओए अंगूठी नहीं, हथकड़ी पहनाने आई है। मेंटल हरासमेंट का केस एक्सेप्ट कर लूं क्या? मुझ पर केस? 1 लाख का चूना लाऊं, 10 रुपए की रिंग पहनाती हो और मुझे पर केस करती हो? नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? अरे मालकिन चलो यहाँ से निकलो, नहीं तो ये तत्काल टिकट से ऊपर भेज देगा। चलो, रिंग का पैसा वसूल नहीं हुआ तो सारे उसूल तोड़कर वसूल कर लूंगा। मेरे भाई ने जो गलती की है उसकी नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए मैंने होम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। ये इस्तीफा मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं बल्कि आपको दूंगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर गांगुली गिरफ्तार नहीं हुआ तो आप इसे सीएम को सौंप दीजिए। जिस तरह मेरे लिए कार का दरवाजा खोला है, गांगुली के लिए लॉकअप का खोल। कहाँ चले गए? अब मैं घर के बिल कैसे भरूंगी? सुबह सुबह मेलोड्रामा क्वीन बनी हो, क्या हुआ? तुम्हारे जीजा टपक गए क्या? तो और जोर जोर से रोना बहना। तुम ही बताओ, फिरोज भाई को पकड़ने गए थे लेकिन फिरोज भाई ने इन्हें किडनैप कर लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप फिरोज कौन है? एक नंबर का शैतान आदमी है, उसके एरिया में पुलिस भी जाने से डरती है। तुम्हारे जीजा प्रमोशन के चक्कर में उसे पकड़ने गए थे लेकिन उल्टा हो गया। फिरोज भाई से मिलना है। सर, हाथ बहुत दुख रहा है ना सर, इसलिए तो दबा रहा हूँ। आपका नहीं, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है सर। तो कटवा दूं क्या? आ गए दोनों सांड, आगे पीछे हटो। इन दोनों सांडों से क्यों नहीं दबवाते सर?